सोने की क्या प्रॉब्लम है बेटा, नींद क्यों नहीं पूरी करते आप? सोने की प्रॉब्लम तो नहीं है, सोने की ब्लेसिंग है। नहीं, ये क्या कहानी है? ये बड़ी वो जो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, कि चुस लगा रहे थे आपकी, कि ये तो सेट पे कहीं पे भी सो जाते, हर जगह सो जाते। ये क्या माजरा है? माजरा ये है कि द थिंग इज वी स्टार्टेड टुगेदर, पहला प्रोजेक्ट हमारा साथ ही था, तो इसको तब से ये कंप्लेंट है कि ये सो जाते सेट पे। तब से लेके अब तक सोए नहीं, तब से लेके अब तक मैं सो ही रहा हूं। आई टेल यू, अच्छा मैं बार बार सीन करके आती थी और रो रही हूँ मैं, मेरी आंखें दर्द कर रही हैं, मुझे होता था कि मैं वापस आऊँ, और मैं वापस आती थी और ये यूँ आराम से सो रहा था ना, वैसे उठो उठो मुझे सोना, जूते मारो ना, गुस्सा चढ़ता है कि कोई सोने सोने का सीन भी होता है तो मैं सो जाता हूँ। हाँ इसलिए अब हम इतना ट्रेन हो चुके हैं कि अब हमें कोई साउंड डिस्टर्ब नहीं करती। अच्छा, आई ग्रो अप इन अ हाउस जहां पे जब बच्चे सो रहे होते थे सबने चुप हो जाना था, और ये सबसे बुरी चीज है। एग्जैक्टली, मेरे साथ भी यही है, मेरे घर में भी वो इतनी सी वो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है कि अच्छा सही है, बिल्कुल आराम से सो रहे हैं सारे। हां, बच्चों को जरा एसी पे ट्रेन करने की कोशिश करूं, टीवी लगा के थोड़ा सा सुलाऊं। मानती नहीं होगी आपकी बीवी, क्योंकि मैं भी उसको जानती हूं। दो साल की हॉस्टल की ट्रेनिंग है नेवल एकेडमी की, तो वहां बड़ा थोड़ा टाइम मिलता था सोने के लिए, तो वो आदत अभी भी है। वो सत्ती सवेरे जगा दिया, तो 10-15 मिनट भी हो तो मैं कहता हूँ सो जाओ, and I sleep. Not bad, so little siesta आप ले लेते। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का कैसे हिस्सा बने? रावी भाई की कॉल आई, क्या हुआ? How did you become a part of this project? शोएब की कॉल आई, जो एसोसिएट है हमारे, उन्होंने probably हमारा ड्रामा देखा था, तड़प दूसरे चैनल पे चल रहा था, तो उन्होंने पिच किया, और I've never worked in लाहौर पहले, मेरा भी पहला प्रोजेक्ट है लाहौर में। कैसा एक्सपीरियंस रहा लाहौर में? It was phenomenal. Phenomenal, मतलब आई वुड, मैं काम करना चाहता हूं दोबारा, काम और खेलिया ज्यादा का, और काम उतना ही होता है जितना कराची में होता है। अच्छा, मैं शुरू में जब हम काम कर रहे थे तो आई वाज रियली यू नो, वो एक पैनिक हो जाता है कि ऑस्ट की क्या मसला है, हम इतने आराम से क्यों काम कर रहे हैं, जल्दी काम करो जल्दी काम करो, डेज बढ़ जाएंगे, एंड आई एम नॉट कमिंग, बाद में नहीं आऊंगी मैं, जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा, हम बहुत स्लो, एंड इनको भी मैं बोलूँ, मैंने कहा ये तो बहुत आराम से काम कर रहे हैं, ऐसे तो काम नहीं होता, हम शोर क्यों नहीं मचा रहे, जल्दी करो जल्दी करो। बट मैंने फिर ऑब्जर्व किया कि उतने ही दिनों में जितने दिन उन्हें हमसे लिए थे, उसी दिन के अंदर हमारा काम कंप्लीट हुआ, बड़े आराम से हुआ। हिबा बुखारी ने लाहौर का कोने खुदरे का कौन सा रेस्टोरेंट नहीं जाके चखा? कोई ना ले लो तुसी, पुराना अंदर अंदरून दा रेस्टोरेंट दा कोई पता नहीं। बट यू सी दैट्स द थिंग, ओके बीइंग लाहौरी, मैंने बहुत काम किया कराची में, और इवेंचुअली मैंने कहा मैं लाहौर में ही ठीक हूँ, क्योंकि हमारा कुछ मिजाज इस किस्म का है कि हम लोग थोड़ा हल्ला गुल्ला इंजॉय। देखो, रोजी रोटी तो कमानी ही है, मजे से भी कमा सकते हैं और सड़ के भी। अभी आप देख रहे थे कि ऑफ कैमरा भी हम लोग अपने हरकतें कर रहे हैं सारे, ये नहीं है कि ऑफ कैमरा सडनली सारे चुप होकर सड़ के बैठ गए। द थिंग इज, उसी थीम को उसी एनर्जी को अगर लेके बंदा चले तो मजा भी आता है, प्लस मुझे लगता है क्रिएटिविटी निकलती इसी मॉल में। अगर बहुत ही आप बंद कर देंगे और तो फिर आप हाँ बहुत जल्दी जल्दी अगर चीजें करेंगे तो वो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी 50% पे आ जाती है। और दिलावर साहब की बात हो रही थी, उनका दिमाग बड़ा म्यूजिकल है। पहली बार किसी सेट पे मैंने डायरेक्टर को सीन के बीच में बैकग्राउंड स्कोर देते हुए सुना है, अपना ही कोई गाना गा रहे होते थे, और वो इट वर्क्ड फॉर अस एंड फॉर द सीन्स, क्योंकि वो इमोशंस और वो फीलिंग बड़े अच्छा, यू नो, अच्छा सबसे ज्यादा क्यूट जो मैं बात आपको वही कर रही हूं कि हमें ही होता था कि हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं, बिकॉज हम तो स्क्रीन पे, हम कैमरे के सामने, तो पीछे उनके हमारे पास इतनी सारी वीडियोस हैं कि जिसके अंदर ना वो यू प्लीज And अगर हम रो रहे हैं तो वो रो रहे हैं, रो रहे होते थे और आप उनको देखें एग्जैक्टली, एंड यू नो वो मतलब वो एक ऐसी इमोशनल ऑडियंस होते थे कि बंदा कहता था टेलीविजन पे हम बाथरूम जाने का सीन नहीं करते, वरना तो वो वाली एक्सप्रेशन सबसे फनी होनी थी। अच्छा ठीक है, आई विल बिहेव माय सेल्फ, जुनैद करे कंट्रोल, पुराने साथी मिलते हैं तो गलत इसी किस्म की बातें होती है। ये जो तीनों यंग इंडिविजुअल्स हमारे साथ हैं, इनसे हमने ब्रेक के बाद गाना सुनना है, और आप लोग भी सुनना चाहेंगे, बातें तो हम इनकी सुन ही रहे हैं। दो लोग बिल्कुल सुकून में यार, इसी चंचल सी लड़की जो है वो टेंशन में आ गई कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, और करो ड्रामे लाहौर में। और इंतहा इस जो है 15 सितंबर वेंसडे 8 PM आज रात को 8 बजे आप देखेंगे ऑन A+। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तेरा हाथों में
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वैसे पीठ पीछे खड़े होके बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज हम इनके पीठ पीछे खड़े होके इनसे गेस करवाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं, मैं चेहरा जो है वो रिवील करूंगी एक एक पर्सनालिटी को, जो बाकी दो लोग यहाँ पे बैठे होंगे वो गेस करेंगे कि वो कौन है। नाम लिए बगैर आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब सब कुछ याद रखते हुए कि ये नेशनल टेलीविजन फैमिली शो है, फैमिली शो है। तो जे जी आप खड़े हो जाए ना जी? जी, जी। अच्छा तो पहली जो पर्सन टू गेस इज, मुंह सीधे करो चलो दोनों। अच्छा ठीक है, अब गेस करना है कि ये कौन है। यार वेरी पॉपुलर एक्टर। ओ हाँ, तुम्हें तो बिल्कुल पता होगा। नहीं। हाँ नहीं। तुम्हें तो पता है। नहीं। क्योंकि एक सीरियस अदाकार। दानिश सर। नहीं नहीं। निकाल जल्दी। सीरियस अदाकार और सीनियर अदाकार। सीरियस और सीनियर। हाँ। बहुत ही को बुरी बात है वैसे। मैं अभी काम किया यार लेटेस्ट। रीसेंट। हाँ। मैंने रीसेंट किसी से काम किया। क्रिकेट भी खेलते हैं हमारे साथ। हाँ, फैसल कुरैशी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही गेस किया। फैसल कुरैशी इज द राइट आंसर। बट मतलब ये क्या बात हुई अभी की है। अच्छा नेक्स्ट फेस की तरफ हम चलते हैं। 1 2 3 जंप। अरे मजे, अरे मजे। इमरान है सर। हाँ है, ये तो ठीक हो गया। ओके चलो। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज मेरी हीरोइन। लमक से जाए आप। ओके 1 2 3 गो। शी इज वर्किंग विद यू रिसेंटली, अभी आपका एक जियो पे प्लेस। एक तो ये वर्किंग एक्ट्रेस की बड़ी प्रॉब्लम है ना, शी इज वर्किंग जियो पे। तीसरा पार्ट है उसका। इकरा, बिल्कुल सही, ग्रेट, ओके। ओ, हमारे फिल्म एक्टर। हमारे फिल्म एक्टर सीनियर या अभी आजकल के? सीनियर, सीनियर। सीनियर है, आजकल भी कर रहे हैं फिल्म्स? आजकल नहीं कर रहे, लेकिन बड़े पाकिस्तानी किस्म के। चांद, चांद, चांद। क्या मतलब बड़े पाकिस्तानी किस्म के? तुम लोग पाकिस्तान, तुम लोग जर्मन हो? एनीवे, सो हमारे ड्रामों के हीरो हीरो फिल्म्स भी करते हैं और प्रोडक्शन भी करते हैं, और अभी मैं मंटो नहीं हूँ भी करेंगे। एक्टर है ऑलमोस्ट एवरी पाकिस्तानी फिल्म का पार्ट, बहुत सीनियर एक्टर, लेजेंड जावेद शेख। वाह शेख साहब, कौन हो तुम लोग? शेख साहब।